हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। कैसे हो आप सब? हाँ जी, हेलो जी, हेलो। आप सबका स्वागत है और आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जनरल अवेयरनेस। ठीक है, गुड इवनिंग जी। सुनम क्लासेस ऐप में हमारी क्लास होती है हर फ्राइडे रात को 9 बजे, और आज भी हम लोग फ्राइडे को रात को 9 बजे इस पर्टिकुलर क्लास में आए हैं। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दिया, लिंक विंक बुला लिया सबको ऐप के अंदर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। जस्ट मैं भी लिंक शेयर कर देती हूँ। कोई कुछ डिस्कस करना चाहता है? एनी गेसेस विच टॉपिक इट इज? ठीक है, पंद्रह को टेस्ट है, वो ओवरऑल सिलेबस से होगा। हाँ, पूरा पेपर वन कंप्लीट आएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए खुश कर दी है कि इसी ऐप के अंदर हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है 15 तारीख को, और वो पूरे ओवरऑल पेपर में से आएगा। ठीक है, जिसके क्वेश्चन मैं बनाने वाली हूँ। नव क्लासेस ऐप में आप सबका स्वागत है। नव क्लासेस ऐप आप सबने डाउनलोड कर ली है। ठीक है, और जिन्होंने एक ही वो कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। एंड मैं कंप्लीट पेपर वन पढ़ाती हूँ यहाँ पर, A to Z। आपको कहीं और भागने की जरूरत नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग एट वन प्लेस विद ऑल लाइव वीडियोस। लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड आर ऑल्सो अवेलेबल, एंड PDF इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेंगी। और मेरे से टॉप स्टूडेंट्स ऑल इंडिया रैंक 1 से लेकर 100 तक वाले बच्चे सर्टिफिकेट ले पाएंगे जो पेड कोर्स में होंगे। ठीक है, एंड ऑल JRF होल्डर्स विल ऑल्सो गेट सर्टिफिकेट फ्रॉम नव क्लासेस एडुटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, प्रीवियसली क्वेश्चन एंड MCQs कंसेप्ट के साथ साथ PYQs एंड एक्सपेक्टेड MCQs सब कुछ मैं यहाँ पर कवर करवा रही हूँ। ठीक है, PDF वगैरह भी स्ट्रक्चर्ड आपको ईच एंड एवरीथिंग का मिल जाता है। ऐसे ही पेपर वन एंड पेपर टू कॉमर्स का कॉम्बो है मेरे पास, और पेपर वन मैनेजमेंट का। कल हमारे साथ पेपर वन एंड क्या कहते हैं, इंग्लिश का भी कॉम्बो आ जाएगा। ठीक है, इंग्लिश भी स्टार्ट होने वाला है आज, जरूर शुरू से तैयारी हो रही है बस। हमारे पास फिर नव क्लासेस ऐप में पेपर वन कंप्लीट कॉमर्स मैनेजमेंट एंड इंग्लिश मिलने वाला है। ये आपके लिए प्यारी सी टेस्ट सीरीज है, जिसमें पेपर वन एंड पेपर टू जो अवेलेबल है इनमें से इन सब के MCQs आपको मिल जाएंगे। और अगर आपका ओनली पेपर वन है इवन देन 900, तो टेस्ट सीरीज है मल्टीप्लाइड बाय 50 इज इक्वल्स टू कहीं ना कहीं 40,000 के अराउंड, आप मान लो 40-45,000 के आसपास इसके अंदर MCQs है। ठीक है, सो ये इसमें आपका स्वागत है, वीकली नव लर्नर लाइव डिस्कशन विद नवदीप कौर। सो आप सबका स्वागत है, बहुत अच्छा लग रहा है आप सबके साथ। और दीज आर माई यू नो बुक्स विच आर अवेलेबल ऑन एमेजोन फ्लिपकार्ट, तो आप इन बुक्स का फायदा उठा सकते हैं। क्वेश्चन बैंक के रिसेंट आई है 350 रुपए की, Feb-March-June 2023 के प्रीवियस क्वेश्चन इसके अंदर है। एंड उसके अलावा सारे के सारे कंसेप्ट की मेरी ये बुक है। अब ये तो बुक मेरे पास जो थी वो भी स्टॉक में लगा दी है, थोड़ी सी बची है, लेकिन हाँ ये 18 से 22 तक की है। ठीक है, कॉमर्स की कंप्लीट कंसेप्ट विद प्रीवियस क्वेश्चन एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एक ही बुक में आपको मिल जाएंगे, अगर आप कॉमर्स के या मैनेजमेंट में। हेलो, ठीक है, म्यूट आ रहा है? बाकी सबका भी म्यूट आ रहा है क्या? डाउनलोड किया वो खुद लिटो के आज। अच्छा, आवाज आ रही है? सो यू कैन फॉलो एवरीवेयर सर्च नव क्लासेस एंड फॉलो।
आ रही है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ जो डिस्कस करने वाली हूँ टॉपिक जनरल अवेयरनेस रिलेटेड, ठीक है, वो डिस्कस करने वाली हूँ जो लेटेस्ट चेंजेस हुए हैं उससे रिलेटेड, जो स्वयं प्रभा है इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और काफी सारी चीजें चेंज हुई हैं, ठीक है, तो अपडेशंस हुई हैं तो उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। अच्छा, मुझे उससे पहले आप बताइए व्हाट इज द, मैं अंजलि अगर आप कॉमर्स पढ़ना चाहते हो तो नक क्लासेस ऐप में कोर्स ले लीजिए, ठीक है, लास्ट मिनट में पूरा रिवीजन और पूरा कंप्लीट करवा रही हूँ मैं, डोंट वरी, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं होगी। क्या स्वयं की फुल फॉर्म बताइए, व्हाट इज स्वयं की फुल फॉर्म, एनीवन, फुल फॉर्म ऑफ स्वयं जल्दी से बता दो, ऐप के अंदर ही मिलती है, नव क्लासेस ऐप के अंदर ही लाइव रिकॉर्डिंग्स वाला पैनल, पहले कंटेंट आता है फिर उसके आगे एक और होता है, उसके आगे लाइव रिकॉर्डिंग वाला होता है, ठीक है, तो वहां पे अपने आप रिकॉर्डिंग कराती है, कोई भी फुल फॉर्म बता के राजी नहीं है, है? आओ इतने सारे बच्चों में से भी स्टडी वेब ऑफ यंग एस्पायरिंग, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव स्वयं की पूछिए भाई, यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ठीक है, तो ये बेसिकली आपके स्वयं की फुल फॉर्म है। अब जो स्वयं है उसके अंदर स्वयं प्रभा की बात कर रही हूँ मैं, जो स्वयं प्रभा है ये बेसिकली क्या है, स्वयं प्रभा स्वयं का ही एक हिस्सा है, लेकिन ये टीवी पे आता है, इसके लिए डीटीएच चैनल्स की जरूरत है, ठीक है, डायरेक्ट टू होम चैनल्स की जरूरत है, तो स्वयं प्रभा का जो पूरा ग्रुप है इसके अंदर टोटल कुल मिला के 280 चैनल्स का प्रावधान है कि यहाँ पर 280 चैनल्स आने वाले हैं स्वयं प्रभा का ग्रुप में। अब इस ग्रुप में कौन कौन इंक्लूडेड है, इस ग्रुप में आपके पास स्वयं प्रभा खुद, ई विद्या एंड ऑल्सो साथी, ठीक है, ये सब इंक्लूडेड है, कौन कौन, स्वयं प्रभा, ई विद्या एंड साथी, ये तीनों के तीनों इंक्लूडेड है। बेटा कुछ चीजें चेंज हुई है, अपडेट हुई है, इसलिए क्लास रखी है, अंडरस्टूड। सो हायर एजुकेशन के अंदर इनके टोटल हायर एजुकेशन से रिलेटेड इसमें 40 चैनल्स होने होने वाले हैं, स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड 200 एंड साथी में आपको मिलेंगे 40 से रिलेटेड चैनल। एनीवन नो अबाउट साथी, किसी ने आज पहली बार सुना है कि साथी के बारे में पहले से पता था। स्वयं प्रभा की बात करें अगर, तो स्वयं प्रभा में पहले 32 डायरेक्ट टू होम चैनल हुआ करते थे, कितने हुआ करते थे, 32, अब 32 के बाद 34 हो चुके हैं, ठीक है, और 34 के बाद अब हो चुके हैं 40, तो इस वक्त अगर मैं स्वयं की बात करूं तो इसके अंदर 40 डायरेक्ट टू होम चैनल्स हैं जो अभी वर्किंग में है, चल रहे हैं, इज दिस क्लियर, 2400 घंटे सातों दिन इसमें सेशंस आते हैं, डेली 4 घंटे नया और 5 बारी रिपीट, इस तरीके से टेलीकास्ट चलता है, ठीक है, 4 घंटे नया और 5 बार उस पर्टिकुलर टेलीकास्ट का रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है, और सैटेलाइट कौन सी यूज करें, ये भी बहुत क्वेश्चन आता है, तो जी सैट सैटेलाइट 15 यूज की जा रही है, ठीक है, जी सैट 15 सैटेलाइट यूज की जा रही है, ओके वेरी गुड। एंड इसमें पहले जो वीडियो क्वालिटी रहता था वो MPEG-2 रहता था, अब उसको MPEG-4 कर दिया गया है, ऑल्सो ये बिसैक के द्वारा अपलिंक किए जा रहे हैं। अच्छा बताओ बिसैक कहाँ है, बिसैक गुजरात में है, ठीक है, कहाँ है, गुजरात में है, हम लोग एमसीक्यूज भी करने वाले हैं तो मेक श्योर कि आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए ताकि आप एमसीक्यूज कवर कर पाए, और गुजरात में भी गांधीनगर में है, लेकिन बिसैक की फुल फॉर्म क्या है ये नहीं पता होगा तुम्हें, है बिसैक की फुल फॉर्म, एनीवन,
भास्कराचार्य आगे बता दो भाई, भास्कराचार्य तो मैंने बता दिया, उसके आगे सोच के बताओ ठीक है। सो दिस शुड बी योर होमवर्क, राइट डाउन इन द कमेंट बिसेक की फुल फॉर्म। तो अभी समझ में आ गया कि इसमें कितने हैं। ई विद्या में भी टोटल बेसिकली और भी बहुत सारे चैनल आने वाले हैं, लेकिन इस वक्त 12 चैनल वर्किंग है ठीक है। आगे कमिंग सून लिखा हुआ है कि ये प्लान है और इसमें आगे आने वाले हैं ठीक है। एमपीईजी क्या है? वीडियो क्वालिटी होती है। भास्कर चारे के आगे बेटा छोटा सा बताया क्यों, भास्कर चारे इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फोर्मेटिक्स। विजेता इज करेक्ट, विजेता वांगे इज करेक्ट, सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू हर ठीक है। तो बिसैक की फुल फॉर्म है ये, कोई बता दे। मूविंग पिक्चर करके है इसकी फुल फॉर्म एनपीईजी की भी। तो इसी पर्टिकुलर चीज को हम समझते हैं कि जो डीडी स्वयं प्रभा चैनल्स है ना, ये अपग्रेड कर दिए गए हैं। अपग्रेड मतलब इनकी क्वालिटी को और बढ़ा दिया गया है। जो अब एनपीईजी 2 पहले हुआ करता था, उससे एनपीईजी 4 टेक्नोलॉजी के द्वारा बढ़ा रहे हैं। इज दिस क्लियर? एनपीईजी 4 टेक्नोलॉजी के द्वारा अब आपको सैटेलाइट के द्वारा सेशंस मिलेंगे। कब से? नई नवेली न्यूज है, जून 7, 2023 से ठीक है। इसी साल जून 2023 से ही ये नए चेंजेस हुए हैं। हाँ, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, वेरी नाइस ठीक है। तो ये इसकी एमपीईजी की फुल फॉर्म है। मैम अभी 40 चैनल हो गए। अगर मैं सिर्फ स्वयं प्रभा की बात करूँ तो इसमें 40 चैनल है। अगर मैं स्वयं प्रभा ग्रुप की बात करूँ तो इसमें हो जाएंगे 80। और अगर टोटल इनके एजुकेशनल चैनल्स स्वयं प्रभा ग्रुप में टारगेट की बात करूँ तो टारगेट इन लोगों का कितना है? 280 चैनल्स का है ठीक है। अभी राइट नाउ 80 ऐसे हो रहे हैं कि स्वयं प्रभा के पास तो 40 है ही, साथी के 40 आ रहे हैं और इसके 12 है। तो लगभग इस तरीके से चल रहा है ये काम। टारगेट 280 कैसे करेंगे? ये हायर एजुकेशन से रिलेटेड 40 रखने वाले हैं, स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड 200 रखने वाले हैं और साथी में 40 रखने वाले हैं ठीक है। तो अभी इस वक्त ये वाले 40 और ये वाले 40 काम कर रहे हैं, बाकी आ रहे हैं आ रहे हैं, पाइपलाइन में है, टारगेट है। सो अकॉर्डिंगली जो पैरामीटर मिल रहा है ना डीडी स्वयं प्रभा चैनल्स को, ये सैटेलाइट GSAT 15, इसका अगर हम वो देखें तो 93.5 डिग्री ईस्ट पे इसका ऑर्बिट पड़ता है। तो वहां से सैटेलाइट के द्वारा टीवी पे यू नो लेसन्स वगैरह आते हैं। नाउ दीज चैनल MPEG 2 सेट टॉप बॉक्स को अपग्रेड करके MPEG 4 कंपैटिबल सेट टॉप बॉक्स पे ही ये चैनल्स चल पाएंगे ठीक है। इतना वैशाली, अब कोई घोषणा गवर्नमेंट आज कर दे तो मैं पीछे बुक के अंदर प्रिंट में जाके चेंज कर सकती हूँ, बता दो। इसी के लिए आज क्लास ली है ताकि इस चीज को आप अपडेट कर लें खुद से ठीक है। आप ऑलरेडी देख रहे हैं जून 2023 का डाटा है। तो इफ सम डाटा कम्स न्यू, देन हमें बीच बीच में फिर उसमें अपडेशंस करनी पड़ती है। अब समझ में आया? 7 जून को ही तो बना बढ़ेगा ऑफ कोर्स, तो उसको अंदर अपडेट करो। अगर मैं तुमसे सिर्फ इस मारे कि मेरी बुक में 34 लिखा हुआ छुपा के रख लूं इन्फॉर्मेशन, तो क्या वो सही है? इन्फॉर्मेशन में चेंजेस हुए हैं, अपडेशन हुए हैं, तभी तो क्लास ले रही हूँ। क्लास का फायदा यही होता है कि हम टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट कर पाते हैं। समझ आ रही है कुछ? अब हम साथी की बात करते हैं। व्हाट इज साथी? अच्छा, साथी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम डायरेक्ट टू होम टीवी चैनल्स हैं ठीक है। हाँ जी, आपके बुक में लव यगोस्टाई कौन से पेज पे है? टीचिंग एप्टीट्यूड में ढूंढ लो, एक एक अक्षर पेज नंबर में से पूछेंगे हैं। बुक मैंने लिखी है लेकिन जब आपने लिखी थी तो आपकी हो गई, ढूंढो अपनी बुक में। देखो साथी, साथी पे कैसे चैनल्स होंगे, मतलब क्या क्या पढ़ाया जाएगा? साथी पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की पढ़ाई कराई जाएगी। साथी पे क्या कराया जाएगा? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की पढ़ाई कराई जाएगी। जो बच्चे इस पर्टिकुलर ऐप के अंदर है आप लोगों को, तो लाइव में हर फ्राइडे क्लास आएगी, लेकिन यही क्लास YouTube पे एक हफ्ते बाद अगले फ्राइडे जाएगी। जैसे कि पिछले फ्राइडे जो क्लास यहाँ पर हुई थी वो आज मैंने डाली है ठीक है, अगले फ्राइडे ये वाली क्लास जाएगी। तो इसका मतलब आप लोग एक हफ्ता आगे हो, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल रही है। अंडरस्टूड? हाँ जी ऑफ कोर्स।
सो देखिए, साथी पे कौन कौन से चैनल्स हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं, जैसे आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, अ प्रोजेक्ट फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, जिससे वो चाहते हैं कि हर जगह पे क्वालिटी एजुकेशन आए डायरेक्ट टू होम टीवी वेब प्लेटफॉर्म से, दिस विल कैटर एजुकेशन एंड असिस्टेंस रिलेटेड टू स्टडी, ये पढ़ाई कराएंगे और असिस्टेंस प्रोवाइड कराएंगे स्टडी से। इट एम टू हेल्प स्टूडेंट जॉब एस्पिरेंट्स ऑफ इंडिया एट डोर स्टेप टीवी सेट, इसका मेन मकसद है कि हर एक व्यक्ति के दरवाजे पे आकर टीवी, मतलब दरवाजे के साथ घर पे आप टीवी में उनको पढ़ा पाए, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करा पाए। देयर वुड बी अप टू 40 चैनल फॉर दिस पर्पस, 40 चैनल सिर्फ और सिर्फ आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है, साथी, ठीक है, साथी विल बी योर साथी, यस, योर हेल्पर, दिस इज फॉर योर हेल्प गाइड। एंड ऐसे ही ई विद्या एजुकेशन थ्रू डीटीएच, ई विद्या का मतलब हो गया यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विद्या, विद्या मतलब एजुकेशन, तो इनका मेन मकसद है, इसकी फुल फॉर्म एक तरीके से ऐसे बना रखे इन्होंने, एजुकेशन डायरेक्ट टू होम डीटीएच सैटेलाइट टीवीज के द्वारा ई विद्या। सो ई विद्या सैटेलाइट टीवी इज बेस्ट मीडियम टू रीच आउट टू वाइडर पॉपुलेशन, बहुत बड़ी पॉपुलेशन तक रीच करने का इन्होंने बोला है कि ये बेस्ट माध्यम होगा। सो प्राइम मिनिस्टर जी के उससे इन्फ्लुएंस होकर यहाँ पर रूरल ट्राइबल रिमोट लोकेशन पे भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक्सपेंड करने की ठान ली है, और ये बनी वो बात है कि हमारा जो बुके होने वाला है वो 280 चैनल का होने वाला है, ठीक है, दिस विल बी ऑफ 280 चैनल्स, 280 चैनल्स यहाँ पर होने वाला है, साथ ही यूजीसी नेट कैटेगरी भी है क्या भाई, ये सब कमिंग, इनकी वेबसाइट पे जाओगे ना, मैं दिखा दूंगी, अभी कमिंग सून लिख रखा है, आ जाएगा 280 चैनल इनके, इस वक्त राइट नाउ 80 चैनल चल रहे हैं, ठीक है, हाँ 40+40 करके वो दीज एजुकेशन विल हेल्प लर्नर फ्रॉम वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स, बहुत सारे सब्जेक्ट्स वगैरह पढ़ाए जाएंगे 24 घंटे 7 दिन स्ट्रक्चर्ड स्केड्यूल के साथ, मतलब प्रॉपर स्केड्यूल जो है वो बना के रखा है। अब चैनल्स के बारे में अगर आप देखेंगे तो चैनल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, और ये जो चैनल है ये मैनेज किए जा रहे हैं 1 से लेकर 10 तक सीईसी के द्वारा, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल, आगे क्या है देखना जरा, सीईसी, तो सीईसी चैनल 1 to 10, और पेपर में एग्जाम में ज्यादातर यही वाले जो 10 चैनल है ना इन्हीं के नाम बार 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 पूछे जा रहे हैं, ठीक है, हाँ जी, ओनली एंड ओनली यू सो प्रोवाइड अप टू डेट इंफॉर्मेशन, यस, नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, तुम अभी सुन लो, पीडीएफ जब मिल जाएगी उसको खोल खोल के देख लेना कुछ। सो पहला तो है चैनल नंबर 1, चैनल नंबर 1 का नाम है वागेश, मैं यहाँ लिख देती हूँ, क्या नाम है लिख लो साथ साथ, वागीश। चैनल नंबर 2 संस्कृति, क्योंकि पेपर में आ रहा है ये, नाम तक पूछ रहे हैं। चैनल नंबर 3, मतलब कम से कम ये 10 नाम तो पूछ ही रहे हैं ना वो, प्रबोध, ठीक है, वागीश, संस्कृति, प्रबोध, एंड देन सरस्वत, सरस्वत, देन प्रबंधन, प्रबंध करना है, देन उसके बाद है विधिक, ठीक है, एंड आफ्टर विधिक देर इज कौतल्या, अभी दिखाई दे रहा है वागेश, संस्कृति, प्रबोध, सरस्वत, प्रबंधन, विद्या, कौतल्या, अभी 2 और बचे हैं, प्लीज कर लीजिए आगे, आर्यभट्ट, देन संपादन, सपंदर, एंड देन दक्ष, सारे कहीं ना कहीं वेदों से या महाभारत से वो है व्यास, ठीक है, तो ये सब चैनल है। अब ये सब चैनल कौन है, जो कि सीईसी के द्वारा प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जो सीईसी के द्वारा प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, बाकियों के नाम बहुत सिंपल है, बाकी में इतना झोल नहीं है, सिंपल सी बात समझो,
अब चैनल नंबर 11 से लेकर आगे तक आपका एनपीटीईएल इंजीनियरिंग से रिलेटेड पढ़ाई करा रहा है, तो ये सारे इंजीनियरिंग वाले हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन 10 तक ज्यादा आ रहे हैं। चैनल नंबर 21 आई है 10 के बाद, चैनल नंबर 21, 10 चैनल्स के बाद सीधा चैनल नंबर 21 है। देन आपके चैनल आ जाते हैं जो एनपीटीईएल के द्वारा चल रहे हैं, वो है 11 से लेकर 16, ठीक है, ये याद रखना, एंड 22, ये किसके लिए है, इंजीनियरिंग, ठीक है, दीज चैनल्स आर फॉर इंजीनियरिंग। और इससे पहले वाले किसके लिए थे जी, सीईसी यूजीसी के द्वारा चलाए जाने वाले चैनल है ये, जो कि कहीं ना कहीं साइंस, अप्लाइड साइंस, इन सब चीजों के लिए काम कर रहे हैं। देन आपके पास आते हैं चैनल इग्नू के द्वारा चलाए जाने वाले, इग्नू। अब ये चैनल है 17 से लेकर 22, 23, हाँ बस थोड़े से ही है, 17 से लेकर 18, 19, ठीक है, 19 तक, 19, 17 से लेकर 19 तक ओनली, तो ये आपके हैं इग्नू के द्वारा चलाए जा रहे हैं जो वो। एंड देन कुछ एटलीस्ट इतना तो याद कर ही सकते हैं, प्राइमरी एजुकेशन यानी कि क्लास 1 से लेकर 8 तक कि जो चैनल के नंबर है वो है 23 से लेकर 30, ठीक है, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8 तक है। अब 9, 10 इज फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, तो सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा चलाए जा रहे हैं 31 नंबर एंड 32 नंबर, ठीक है, दीज आर फॉर क्लास 9 एंड 10। फिर क्लास 11 एंड 12 कौन दे रहा है, पीएमई विद्या। तो बेटा जी मेरी बात सुनो, मैंने कहा था ना जो ई विद्या वाले हैं, हाँ जी, ई विद्या में अभी इस वक्त 12 चैनल्स चल रहे हैं, ठीक है, 12 चैनल्स चल रहे हैं, तो 12 चैनल्स में भी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन ये सब अभी ई विद्या में चल रहे हैं, ठीक है, दीज आर अंडर ई विद्या। तो कुल मिला के इस प्रकार से 34 चैनल्स हो गए। तो बताइए आपको क्या समझ में आया कि ये जितने भी 34 चैनल्स हैं कहीं ना कहीं आपके सीईसी यूजीसी के द्वारा चलाए जा रहे हैं, ये अंडर ग्रेजुएशन के लिए हो गए, ठीक है, यूजी लेवल के, जिसमें 10 नाम है सारे महाभारत या वेदों से रिलेटेड, अभी हमने देखा। एंड उसके बाद कौन आया था, एनपीटीएल वाले, ठीक है, दीज आर ऑल फॉर इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग के बाद हमने क्या किया, ई विद्या के द्वारा जो चलाए जा रहे हैं, ई पीएम विद्या, ई विद्या, यहाँ पर क्लास 1 से लेकर 8, फिर क्लास 9, 10, फिर क्लास 11, 12, इस तरीके से चलाया जा रहा है, स्कूल एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन एंड आपका ये जो है ये हायर सेकेंडरी एजुकेशन, दिस इज फॉर हायर सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। अच्छा इग्नू कहाँ गया, इग्नू बीच में से गोली हो गया बाबा। हाँ तो इग्नू के भी तो थे 3 चैनल, 17, 18, 19, तो ये इग्नू के थे चैनल नेशनल कॉरिडोर फॉर प्रोफेशनल, बेसिकली इग्नू आउट ऑफ द स्कूल, इग्नू सोशल साइंस बेसिक अप्लाइड साइंस एंड प्रोफेशनल वोकेशन एजुकेशन, स्किल बेस्ड एजुकेशन, सोशल साइंस, अप्लाइड साइंस, इसके लिए 17, 18, 19, ठीक है। तो अब चैनल का नाम आप भूलेंगे नहीं, आपको जो याद करना है वो याद करना है, कहीं ना कहीं ये 10 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी के तो याद हो ही गए हैं एटलीस्ट, ठीक है, वागे, संस्कृति, प्रबोध, सरस्वत एंड एवरीवन। चलिए इतना सब आपको समझ में आ गया, तो अभी मेरे पास क्वेश्चन है, आई एम हैविंग सम क्वेश्चंस, एक सेकेंड। अच्छा लेकिन वो क्वेश्चंस दिखाने से पहले मैं आपको इसका वेबसाइट पे दिखा देती हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए, ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल लर्निंग भी करेंगे हम लोग यहाँ पर। क्योंकि देखने से चीजें याद ज्यादा रहती है, स्वयं प्रभा के असली वाले वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं हम, तो स्वयं प्रभा के ओरिजिनल वेबसाइट पे आप पहुंचेंगे तो आपको दिखाई देगा स्वयं प्रभा का जो टोटल पूरा ग्रुप है उसमें कौन कौन इंक्लूडेड है, कौन है ये, स्वयं प्रभा, यहाँ पर स्कूल एजुकेशन और इधर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है, वहां कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो अगर मैं स्वयं प्रभा की बात करूं तो
उनके बारे में मैंने सारी चीजें बता दी आपको ऑलरेडी। अब ये जो ई विद्या लिखा हुआ है, ई पीएम विद्या में कितने चैनल चल रहे हैं अभी बताना जरा। मैंने अभी आपको बताया कितने चैनल चल रहे हैं इसके अंदर अभी इस वक्त। अच्छा, तो ये आपने ट्रिक बनाई है, ठीक है, वेरी नाइस। तो ये ट्रिक भी मैं 12 चल रही है, ठीक है, बहुत मुश्किल से ज्वाइन हुई इतनी लेट, कोई बात नहीं, छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं, क्या बड़े शहरों में, वट एवर। चलिए अभी हम इस चीज को समझते हैं। अच्छा, मैं पहले अपना टॉपिक बता दूं, फिर आपकी वो ट्रिक भी कवर करते हैं दोबारा से, ठीक है। सो स्कूल एजुकेशन को में ई विद्या को पकड़ते हैं। तो स्कूल एजुकेशन में ई विद्या में आपको ये सारी क्लासेस मिल जाएंगी। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की तरह चलाया जा रहा है, चैनल 1 2 3 ई विद्या के अंदर आ रहा है, ठीक है। ऐसे करके टोटल 12 चैनल्स इसके अंदर आपको दिखाई दे जाएंगे। लेकिन ई विद्या में बेसिकली देखो कितने सारे चैनल है, अरे बाप रे, 200 तो यहीं पे दिखा देंगे मुझे लगता है। 182 तो दिख ही रहे हैं ई विद्या में, तो बहुत सारे वही, ठीक है, कोई उत्तराखंड का, कोई कहीं का है चैनल, तो अलग अलग लैंग्वेज में आई थिंक इसको बाइफरकेट कर रखा है। सो ओके, सो ई विद्या में आपको किस किसके लिए पढ़ाया जा रहा है बेसिकली, हायर एजुकेशन के लिए। ऐसे ही आप यहाँ पे स्कूल एजुकेशन का भी खोल सकते हैं। ये मिल गया स्कूल एजुकेशन वाला। देखो जो स्कूल एजुकेशन है उसके अंदर चैनल नंबर 1 क्या था, चैनल नंबर 1 वाज वागेश, ठीक है, चैनल नंबर 1 वाज वागेश। तो लेकिन यार आप लोगों ने जो ट्रिक बनाई है अभी वो क्या है, अभी मैं वो भी लिख के बता देती हूँ। वेरी स्पेशल पर्सन, वेरी स्पेशल पर्सन का प्रबोध किया विधि विधान से। अच्छा, का प्रबोध किया विधि विधान से, फिर कौतल्या के साथ, ठीक है, वेरी स्पेशल पर्सन सरस्वत प्रबंधन एंड विधि। अच्छा, विधो यहाँ पर विधि आ गया, यहाँ से कौतल्या के साथ आर्यभट्ट, संपदनंद, दक्ष और व्यास के साथ। तो आपने फिर ये नाम ही याद कर लिया पूरे पूरे, ठीक है, दक्ष और व्यास के साथ। तो फिर इसके अंदर ये सी सी व्यास के आपके सारे आ जाते हैं, चलो ठीक है। तो व्यास व्यास वाला एक अलग नंबर था ना। तो बेसिकली अब काफी हद तक इतना बार हम रिपीट कर चुके तो आपको याद ही हो गया होगा, ठीक है, हो गया याद, ट्रिक ही याद नहीं होगा, चलो तो कोई बात नहीं, ये तो याद हो गया ना, वागेश संस्कृत एंड प्रबोध सरस्वत प्रबंधन वैदिक, कौतल्य आर्यभट्ट एंड संपादन एंड दक्ष, और उसके बाद व्यास है वो एक अलग नंबर था, कौन सा नंबर था, 21 वाला नंबर। हाँ ठीक है, ऐसे याद है तो वेरी गुड। सीक्वेंस कभी कभी लगाने को आएगा, कभी कभी नंबर पूछ लेगा, मैं आज ही पूछूंगी आपको। तो लाइव देखने का मजा ही कुछ हो रहा है, कितना प्यारा लग रहा है, राइट। और इसको देख के आपको समझ में आएगा, इसके सारे चैनल है, जैसे कि इग्नू के द्वारा कौन सा था, 17 18 19, ठीक है। तो इग्नू के द्वारा, आईआईटी बॉम्बे के द्वारा कुछ चैनल चलाए जा रहे हैं, फिर ऐसे ही आगे 20 से रिलेटेड बहुत सारे चैनल ही चैनल है यार इनके। अब ये 280 चैनल इनके दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर इस वक्त। व्यास वाला है आखिरी में आपका चैनल नंबर 40। हाँ जी, सबकी पिक लगी हुई है अलग अलग, हाँ सबकी पिक लगी हुई है अलग अलग। तो ये सब आप अपने खुद से भी सर्च कर सकते हो, मैंने आपको खुद अभी आपको सर्च करना भी सिखा दिया है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ वापिस से। नाउ डू यू वॉन्ट टू डू सम एमसीक्यूज, ठीक है। तो उससे पहले एक बार एक स्वयं प्रभा को पूरा डिस्कस कर लेते हैं कि जो स्वयं प्रभा है इसके अंदर अब हो चुके हैं 40 चैनल, ठीक है। जी सैट 15 के सैटेलाइट यहाँ पर यूज की जा रही है, हर रोज 4 घंटे नया आएगा, ठीक है, कार्यक्रम, और 5 बारी रिपीट होगा। विसैक के द्वारा अपलिंक करवाया जा रहा है, और इसके टोटल 7 कोऑर्डिनेटर्स हैं जो कि इधर लेसन प्रोवाइड करने में हेल्प कर रहे हैं एनपीटीईएल इंजीनियरिंग के लिए। सी आईआईटी हमने देखा अभी बॉम्बे काफी सारे चैनल प्रोवाइड करा रहा है, यूजीसी अंडर ग्रेजुएशन, सीईसी फॉर अंडर ग्रेजुएशन, इग्नू आउट ऑफ द स्कूल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन, वोकेशन एजुकेशन एंड एनसीईआरटी फॉर स्कूल एंड एनआईओएस फॉर आल्सो स्कूल।
इन्फ्लिपनेट इनको डाटा सोर्स दे रहा है। इन्फ्लिपनेट का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। स्वयंप्रभा में टोटल 40 है, ये सब हम बातें कर चुके हैं आगे। सो यहाँ पे कौन कौन से लेवल के पढ़ाई कराई जाती है। हायर एजुकेशन जैसे हम देख रहे हैं, करिकुलम बेस्ड कोर्स कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है। स्कूल एजुकेशन 9वीं से 12वीं, अब तो इनको इन्होंने फर्स्ट क्लास से 12th क्लास पूरा ही कवर कर लिया है। करिकुलम बेस्ड एजुकेशन, लाइफ लॉन्ग एजुकेशन, ये सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कवर करने वाली एजुकेशन भी यहाँ पर करवाई जाती है। ये रही कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कवर करने वाली। बताइए कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कवर करने के लिए कौन सा बनाया गया, बताइए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, नहीं मैं ये मैं किसी बच्चे का आंसर दे रही हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग होता है NIOS। ठीक है, तो जैसे कि इग्नू है, अगर हमने रेगुलर कॉलेज नहीं जाना तो ओपन से कॉलेज की पढ़ाई कर सकते हैं यूनिवर्सिटी से। लेकिन अगर मैंने स्कूल नहीं जाना 10th 11th 12th में, है ना, तो उसके लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग रखा गया था। अरे वाह, अब मेरा क्वेश्चन ये था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कौन सा कॉरिडोर इन्होंने खोला है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए साथी डायरेक्ट टू होम DTH चैनल्स ओपन किए हैं, जिसमें टोटल कुल मिला के 40 चैनल होने वाले हैं। भास्करचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स इज द फुल फॉर्म ऑफ बिसैक। बिसैक का जो इंस्टीट्यूट है ये गुजरात में है, गांधीनगर में है। ठीक है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब इफ यू आर विलिंग टू डू सम एमसीक्यूज देन वी आर गोइंग टू डू दैम, कुछ एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, चलिए। सो आई होप आप इन प्रश्नों का सही उत्तर अब दे पाएंगे। सो ये 2023 के ही लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं एंड इस बुक में सारे A to Z क्वेश्चंस मैंने दे ही रखे हैं, तो यू कैन गेट दैट। चलो करो, बताओ। यू कैन आंसर इन द पोल, इन द चैट। पोल जल्दी आने वाला है नव क्लासेस ऐप में, फिर हम लोग पोल में बहुत सारी क्लासेस किया करेंगे। फोर्थ पे अटक गए सब, पहले तो कुछ का कुछ दे रहे थे सबके सब। फोर्थ इज करेक्ट आंसर। चैलेंज नंबर 3 का नाम है प्रबोध, चैलेंज नंबर 4th का नाम है सरस्वत, 5th प्रबंधन एंड 6th नंबर इज विधि। आप देख रहे हो कि प्रीवियस से क्वेश्चन में ये सारे चैनल्स के नाम भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, सो अगला क्वेश्चन आप खुद से रीड करके देखिए, देन पता चलेगा आपको आया कि नहीं। स्वयं प्रभा, हालांकि क्वेश्चन आप देखो ना, आप कह रहे हो कि आपकी बुक में, भाई जब एनटी ने भी जून में पेपर दिया तो तब भी 34 ही थे, तो उसने भी 34 ही तो दिया आपको क्वेश्चन में, समझे। अब अगर क्वेश्चन आएगा तो अब 40 हो जाएंगे। ठीक है, और इसके पूरे ग्रुप में कितने का टारगेट है वो 280 हो जाएंगे, ऐसा होगा। ए आंसर दे रहे हो, पक्की बात है। बिल्कुल सही जवाब। स्वयं प्रभा एक एजुकेशनल लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो इनिशिएट किया गया है MHRD के द्वारा, और अब इनका नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो चुका है। 24/7 DTH चैनल्स यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरीवन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न। अच्छा मैं पीछे बैठती हूँ, पूरा देख लो क्वेश्चन। यहाँ बच्चे टाइप सी हो रहे हैं, कोई फोर्थ आंसर दे रहा, कोई बी, कोई डम डम डिगा डिगा कर रहा है, कोई भिगा भिगा कर रहे हैं। बी या डी, डी फॉर कैट भी कर रहा है बच्चा। बी इज द करेक्ट आंसर। दोनों ही गलत है। हाउ? स्वयं एक प्रोग्राम है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनिशिएट किया गया, डिजाइन किया गया ताकि 6 कार्डिनल प्रिंसिपल्स को अचीव किया जा सके। इज इट? क्या 6 आपके कार्डिनल प्रिंसिपल्स है? कितने प्रिंसिपल्स हैं? हाउ मेनी प्रिंसिपल्स आर देयर? कितने प्रिंसिपल्स हैं आपके पास?
थ्री प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, कौन कौन से? क्वालिटी, एक्सेस एंड इक्विटी, ठीक है, थ्री प्रिंसिपल्स हैं। इनको पांच किया था उन्होंने फिक्की ने, लेकिन स्वयं में तो तीन ही दिए ना, फिक्की फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाला जो है उसने। स्वयं हैज बीन डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, बिल्कुल सही है। ऑल इंडिया काउंसिल भी सही है, लेकिन इंफोसिस की जगह पे यहाँ पे क्या आंसर आएगा? गूगल, ठीक है, जो स्वयं है, स्वयं गूगल के द्वारा निकाला गया है। अंडरस्टूड, इंफोसिस नहीं, गूगल। यस, वेरी नाइस टू एवरीवन। तो इस चीज को आपको समझना था, नहीं तो बड़ी गड़बड़ हो जाती, गड़बड़ घोटाला। अंडरस्टूड, ठीक है। तो अब मेरी तरफ से यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। आप लोगों को कोई और प्रश्न पूछना है तो मुझसे अब पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारा क्लास में मेरा पहले मकसद था कि मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊं, मैंने पढ़ा दिया। अब आपकी बारी। फॉर वीकली नव लर्नर लाइव डिस्कशन, नाउ आई एम ओपन हियर, इफ यू वांट टू आस्क समथिंग यू कैन आस्क। मैंने नहीं, क्या नहीं किया तुमने? अच्छा, कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है, या रेज द हैंड में आके बातचीत करना चाहता है? वैशाली, डू यू वांट टू कम? ओके, 10 चैनल का ट्रिक बता दीजिए। 10 चैनल ध्यान से पढ़ लोगे तो हो ही जाएगा यार, इतने में ट्रिक याद करोगे उतने में चैनल के नाम याद हो जाएंगे, ठीक है। हाँ जी, रिलेटिव लाइव लिख दो। वैशाली, कुछ पूछना है? हाँ जी नीलम मैडम, पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड होगी? पीडीएफ आपकी इन ऐप डाउनलोड होगी, मतलब कि इस कोर्स के अंदर ही डाउनलोड रहेगी, तो जब भी आपको आना हो उसमें से देख लीजिएगा। पुरानी पीडीएफ आपके पास है, अब नई वाली इस क्लास के बाद डालेगी, ठीक है, इस कोर्स में ही आती है। और मैंने यूट्यूब की फ्री क्लासेस की भी पीडीएफ हमारे वीकली नव लर्नर कोर्स के अंदर, नव क्लासेस ऐप के अंदर दे दी है। थैंक यू। ओके नीलम, कुछ पूछना है? नहीं, चलो। इफ देखो, तुम्हें मैं एक दिन देती हूँ, मेरे को सुन के बहुत अच्छा लगता है, सोशियोलॉजी की क्लास भी लेते हैं। टपैक क्या होता है? टपक जा होता है हमारी, नहीं, टपैक इज टीचिंग स्किल्स, पी फॉर पैडागोजी स्किल्स एंड सी के फॉर नॉलेज, ठीक है। तो इन तीन शब्दों को मिला के टपैक मॉडल बना है, और तीन अगर सर्कल आपस में मिलते हैं तो टोटल कितने बनते हैं कॉम्पोनेंट्स? 7, 7 कॉम्पोनेंट बनते हैं, उसको बोलते हैं टपैक मॉडल, ठीक है। आगे समझ, पेपर 1 की सीरीज लेनी है। अगर आप नव क्लासेस ऐप के अंदर पढ़ना चाहते हो तो आपने देख लिया कि जो पेड कोर्सेज है वो बिल्कुल इसी तरीके से होते हैं, इसका डेमो आप देख रहे हो, ठीक है, और आप पेड कोर्सेज भी ले सकते हैं। सो नव क्लासेस ऐप के अंदर ये सारे कोर्सेज आपको आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। स्टोर पे जाइए और अपनी इच्छा अनुसार कॉम्बो लेना है या कंप्लीट कोर्स लेना है, ओनली पेपर 1 लेना है, तो वो आपकी इच्छा है। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। आईसीटी में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है वो तो पूछो। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन की क्लास देखा था, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, वेरी गुड। सो इनकम टैक्स में न्यू स्लैब रेट से करने हैं। हाँ, इनकम टैक्स आपको मैंने करवाया भी था, और अगली फ्राइडे, अगले थर्सडे इनकम टैक्स से तो होगा ना, नव क्लास से यूट्यूब चैनल पे जो मैराथन होगा, ठीक है। थैंक यू। पेपर 1 की कौन सी यूनिट होगी? कल? ओके, कल सैटरडे। हाँ तो मेरी बात सुनो, आप जैसे कि यूट्यूब की बात करो तो सैटरडे को हम लोग मैराथन करते हैं ना, नव क्लासेज यूट्यूब चैनल पे, तो हम लोग टीचिंग की मैराथन कर चुके हैं, रिसर्च की कर चुके हैं, तो कल कम्युनिकेशन की कर लेंगे, ठीक है। सो टुमोरो वी कैन डू फॉर कम्युनिकेशन। लर्निंग 2.0 छोटी सी चीज है, लर्निंग 1.0 गुरु शिक्षा वाली पढ़ाई करते थे, लर्निंग 2.0 के अंदर टीचर्स स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, स्टूडेंट आपस में भी पढ़ सकते हैं। अब लर्निंग 3.0 में क्या होने लग गया है, हर कोई व्यक्ति किसी कहीं भी पढ़ सकता है, दिस इज बिकॉज ऑफ इंटरनेट, ठीक है। यस, इंटरनेट की वजह से एजुकेशन 2.3.0 में हर कोई व्यक्ति किसी भी समय पे कर सकता है पढ़ाई, ठीक है, इंटरेक्टिव। हाँ, स्क्वायर क्वेश्चन का कहाँ मिलेगा प्लीज बता दो। सिंपल सी बात है, यूट्यूब पे सर्च करो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन बाय नवदीप कौर, नव क्लासेस आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी हर एक चीज डिटेल में मेरे से पढ़नी है, तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, मेरा कोर्स अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ 3500 में अभी इस वक्त मिल रहा है आपको, ठीक
कंप्लीट कवर करा रही हूँ और मेरी एक्सपर्टीज के हिसाब से ऑल कंसेप्ट कवर करा रही हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। आप अभी भी दिसंबर एग्जाम दे के आ सकते हैं आराम से, अगर आप ये कोर्स भी कवर अप कर लेते हैं। ठीक है, रिसर्च ट्वाइस को एटी टेस्ट क्लियर कर दो। हाँ, तो नव क्लासेस ऐप के अंदर ये जो पेपर वन का कोर्स है, इसके अंदर हमारा संडे को स्टैटिस्टिक्स करने वाले हैं तो पढ़ेंगे। ठीक है, दिल खोल के एक्स्ट्रा क्लास भी लेती हूँ, पूरा डिटेल में इंटरेक्टिव पढ़ा देती हूँ। डिस्क्रिप्टिव स्टडी बता दो। डिस्क्रिप्टिव जस्ट किसी पर्टिकुलर कंसेप्ट को डिस्क्राइब करना, जैसे कि जो स्टडी शेख लिटरेचर रिव्यू बेस्ड होती है उसको डिस्क्रिप्टिव स्टडी बोलते हैं। ठीक है, पार्डलेट जो आपकी क्लास ली थी यूट्यूब पे वो नहीं दिख रहा, देखो क्यों नहीं दिख रहा, रिकॉर्डेड वीडियो कब देख सकते हैं। ये क्लास खत्म होने के आधे एक घंटे बाद ही ऐप के अंदर कंटेंट के बाद लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, तो उस वाले टैब में आपको अपने आप ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। ठीक है, स्वयं एंड पाइथन की क्लास फ्री चलती है क्या? हाँ चलती होगी, टेस्ट पेपर शुरू किए थे, टाइम निकालना पड़ेगा भाई अपने सपनों के लिए। कौन टाइम निकालेगा, आप ही निकालोगे ना, और कौन निकालेगा? ठीक है, ओके। रामा कुछ कहना चाह रहे हो? ये रेज द हैंड में क्लिक कर देते हैं, आते नहीं है। आप टोटल कितने एमसीक्यूज करवा दोगे यूट्यूब पे पेपर वन के? गोविंद, मैं तो रोज रात को 9 बजे करा रही हूँ, और अगर आप रोज कर ही रहे हो तो लगभग 10,000 के आसपास तो हम कर ही रहे हैं। ठीक है, अब तुम छोड़ रहे हो तो बात अलग है। रामा कुछ कहना है? चलो ठीक है, सो नाउ वी कैन वाइंड अप हियर। ठीक है, अपने टेस्ट सीरीज के बारे में बता दीजिए। जो टेस्ट सीरीज है अब आपके लिए आ चुकी है, पेपर वन की और पेपर टू इन सभी सब्जेक्ट्स के अवेलेबल है। एक ही टेस्ट सीरीज आपको जैसे कि 375 रुपीज की है या फिर 600 के आसपास की है। 375 की वही टेस्ट सीरीज की वैलिडिटी 3 महीने रहेगी, और ये 600 वाले की 1 साल रहेगी। ठीक है, अब आपको पता है कि जब मैंने ये नई नई निकाली थी तो इसमें सिर्फ 1199 क्वेश्चन ही थे, 1199 क्वेश्चन ओनली। बट अब इसमें बढ़कर 1129 क्वेश्चंस हो चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चंस नहीं, टेस्ट सीरीज क्वेश्चन नहीं, टेस्ट सीरीज। तो इसका मतलब टाइम टू टाइम जो भी अपडेशन होती रहती है, आपको लेटेस्ट चीजें मिलती रहती है, और टेस्ट भी इसमें हो सकता है ऐड होते चले जाए। अब देखो कितने सारे ऐड हो गए, गिन लो बैठ के, है ना? 100 के आसपास तो ऐड करवा ही दिए मैंने, 100 नहीं तो मतलब ये 30 30, है ना, 30 टेस्ट ऐड और कर चुके हैं अपने टेस्ट के। बताओ, अच्छा ठीक है, तो हर क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों में है, सब कुछ बहुत सिंपल है वो। और कुछ टेस्ट आप फ्री ऑफ कॉस्ट चेक कर सकते हो, तो खुद ही चेक करो ना, आपको अपने आप इंटरफेस समझ में आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल यूजीसी नेट जेआरएफ के जैसा है, क्वेश्चन एंड एक्सप्लेनेशन दोनों दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलते हैं। ओके, सो फाइनली वी ऑल आर डेस्परेट फॉर अपकमिंग डे, सो थैंक्स टू एवरीवन। एंड अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को जोड़ो, नव क्लासेस ऐप डाउनलोड करवाओ। ठीक है, और इस कोर्स के बारे में भी बताओ जो हम हर हफ्ते कर रहे हैं, एंड ऑल्सो आप खुद भी इसका पार्ट बन सकते हो, पेड वगैरह कोर्सेज भी कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड। ड्रीम बिलीव एक्ट एनर्जी, हर घर नव लर्नर एंड हर घर जेआरएफ। थैंक यू।